सोरम में ग्रामवासियों के बहुमूल्य सहयोग से 10 फरवरी से श्रीमद् भागवत महापुराण कथा यज्ञ का आयोजन चल रहा है, जहां कथावाचक पंडित सुरेंद्र वैष्णव के द्वारा आन महाराष्ट्र एवं रुक्मणी विवाह की कथा को आध्यात्मिक रूप से भक्तों के माध्यम से बड़े ही सुंदर एवं मृदवाणी से परोसा गया। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का रसपान करने सोरम की ग्रामवासी सहित आसपास के ग्रामीण पहुँच रहे, जहाँ श्रद्धालुओं का अपार भीड़ देखने को मिला। कथा में मुख्य जजमान के रूप में श्री प्रवीण शिंदे, धर्मपत्नी अनीता शिंदे परिचित के रूप में विराजे एवं ग्राम सोरम से चंद्रहास दमयंती व सेवक गौरी निर्मलकर व ललिता माखन भी अपना सहयोग दे रहे हैं। मैं प्रवीण शिंदे वास पारा धमधरी। जो भागवत है उसके बारे में बताएंगे, किस तरह से आप स्थान कर रहे हैं? ये गांव बहुत अच्छा है और यहाँ गांव के लोग बहुत अच्छे हैं। महाराज जी के से भागवत हो रहा है और गांव वाले के जितने समर्थन है, जितने गांव वाले के भाईचारा है, प्रेम है, उसी से सब सम्मिलित होकर सब गाँव वाले ये भागवत करा है और बहुत अच्छा आयोजन हुआ है। आप पूरे परिवार के साथ आए हैं, किस तरह से आनंद ले रहे हैं भगवान? महाराज जी के निमंत्रण से और गाँव वाले की मित्रता से मेरे को बोला गया है कि यहाँ आइए भागवत पे ऐसे करके, और मेरे को भागवत में राजा राजा के अतिथि के रूप में दिया गया है। तो उसमें मैं पूरे परिवार के साथ यहाँ तन मन धन से पूरा हर चीज से मैं भागवत सुनने के लिए और भागवत में करने के लिए आया हूँ। मोर जगन्नाथ साहू, ग्राम पटेल, ग्राम सोरम, ग्राम सोरम में ये निरंतर 5 साल हो गए हमन भागवत के कथा आयोजन करथन। ग्रामवासी सबके सहयोग से और बहुत ही आनंद आते भागवत की कथा सुने में। काबर भगवान के जो कथा है वो कई बार सुनो लेकिन अगर अंत नहीं हुआ, जब सुन में तब मजा आते। तो हमला इतना आनंद आते कि स्वर्ग हमारे गांव आगे है, स्वर्ग है। अभी 8 दिन तक 7 दिन तक पूरा आज के जो आयोजन ही से वो महारास भगवान कृष्ण और रुक्मणी और जो सखिया हैं उन लोगों को रास लीला के कार्यक्रम भी से और रुक्मणी मंगल भी से भगवान कृष्ण और रुक्मणी का विवाह ये सब बहुत है। और हमला बहुत आनंद है इसे भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह में हम शामिल हो हैं, हमारे गांव वाले मन सब शामिल हो से बहुत आनंद है इसे। कैसा लग रहा है और क्या चाहेंगे आप? मैं गिरधर लाल विश्वकर्मा सोरम निवासी हूँ। बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरे गांव में हर वर्ष की तरह 10/2/2023 से कथा प्रारंभ है और हम समस्त ग्रामवासी यहां पर मंच पर भगवान का रस पान कर रहे हैं। और किस तरह से भागवत कथा को लेकर किस तरह से आप लोग इंतजार कर रहे हैं? हम भागवत कथा को लेकर पूरे भक्तिमय से रस पान कर रहे हैं। समस्त ग्रामवासी 12 बजे से 6 बजे तक से कथा चलता रहता है और अभी तक से चल ही रहा है। ठीक है। मेरा नाम सुरेंद्र वैष्णव, यही ग्राम सोरम का निवासी हूँ। ये कितने दिन का यहाँ पर भागवत हो रहे हैं और भागवत कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये आगामी ये 5वां वर्ष है लगातार और इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे गांव में जो भाईचारा है ना, जो धर्म है, जो धर्म मान के चलो कि अभी के नौजवान हैं और धर्म से पिछड़ते जा रहे हैं तो उन सबको एक धर्म के सूत्र में, एक भाईचारा के सूत्र में बांधने का ये समिति द्वारा एक प्रयास है और लगातार ये विगत 5 वर्ष से ये प्रारंभ हुआ है। तो इस वर्ष 5वां वर्ष है। इसमें एक समिति का गठित हुआ है, श्रीमद् भागवत आयोजन समिति का, और उसी के तत्वाधान में जो हमारे गांव के जो वरिष्ठ जन हैं, है ना, और जितने भी दानदाता हैं उन सब के सहयोग से ये श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन होता है, जिसमें गांव के आसपास के जो भी श्रद्धालु आते हैं बड़े भाव के साथ यहाँ कथा रूपी गंगा में गोता लगाते हैं और अपने जीवन का कृतार्थ करते हैं। नाराज जी, अभी के समय में भागवत कथा कितना आवश्यक मानते हैं, क्योंकि अभी का समय जो रहता है अधिकतर लोग डिजिटल की ओर जा रहे हैं। तो कितना ज़्यादा जरूरी मानते हैं अभी श्रीमद् भागवत महापुराण? हर जीव को बहुत जरूरी है,
क्योंकि आज की ये भागम भाग की दुनिया है। सब अभी के युवा वर्ग को देखो, छोटे के देखो, किसी को भी देखो, हर हमेशा केवल मोबाइल में ही लगा रहता है ना। जिससे मोबाइल तो अच्छा है, जो डिजिटल आए वो अच्छा है, लेकिन अच्छा के साथ साथ में बुरा भी है ना। तो क्या है, आजकल के जो नौवियक हैं वो अच्छे को तो बहुत कम देखते हैं, लेकिन जो बुरा है उसी के संगीत उसी का ग्रहण करते हैं। और ये भागवत कथा ऐसा है, ये प्रत्येक जीव की मात्र के लिए है, ऐसे नहीं कि ये केवल हिंदू का है, ये केवल जीव मात्र के कल्याण के लिए ही ये श्रीमद् भागवत महापुराण का रचना किया है। मान के चलो कि एक पियाऊ है, और जैसे गर्मी के दिन में पियाऊ खुलता है ना, तो कोई भी राहगीर जा करके वहाँ पानी पी सकते हैं, जिसको प्यासा है वो पानी पी करके अपने प्यास बुझा सकते हैं। उसी प्रकार से ये जो भागवत कथा है, जो जिज्ञासु हैं, जो कथा की प्यास है, वो आकर के अपना प्यास बुझा सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं। एक छोटा सा हमारे चैनल के माध्यम से आप जो हिंदू भाई है घर में सुनिए, छोटा सा क्या संदेश? मैं सभी हिंदुओं को यही संदेश देना चाहूँ कि देखो, हमारा ये हिंदू सनातन धर्म बड़ा पवित्र सनातन धर्म है ना। और लेकिन आगे अभी वर्तमान में भी देखो, या इतिहास उठा करके भी देखो कि हिंदू धर्म में इतना आक्रमण हुए, और आज भी कई ऐसे है कि हिंदू धर्म को तोड़ने के प्रयास कर रहे, आदमी को नाना प्रकार के लोभ दे करके, भय दे करके एक हिंदू धर्म से विमुख कर रहे हैं, है ना। और उन सब से यही निवेदन करूं कि देखो, हमारा ये धर्म जो हिंदू धर्म है एक सनातन धर्म है, आप जो है चाहे जैसे भी हो अपने धर्म को मत छोड़ो, क्योंकि तुम अपने धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। लेकिन थोड़ा से भय कारण, थोड़ा से लोभ के कारण अगर अपने धर्म को छोड़ दोगे तो कहीं भी स्थान आपको मिलने वाला नहीं है।